जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम प्रेमी महात्मा श्री ब्रह्म चैतन्य जी, आपका मुख्य साधन ही भगवान नाम था। लाख लाख लोगों को आपने भगवान नाम स्मरण में लगाया। आप स्वयं अपने संबंध में कहते हैं कि मेरा जन्म ही संसार में भगवान नाम प्रचार के लिए हुआ है। मैं सदा भगवान नाम में ही निवास करता हूँ और मेरे मुख में सर्वदा भगवान नाम की महिमा का वर्णन रहता है। आपके जीवन के अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं, किंतु उनका उल्लेख न करके आपके वचनामृत से भगवान नाम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण वचन यहाँ उद्घृत कर रहा हूँ। ब्रह्म चैतन्य जी महाराज कहते थे कि श्री भगवान के मूल स्वरूप के अत्यंत निकट का यदि कोई तत्व है तो वह केवल उनका नाम ही है। बहुत कहने से क्या, भगवान और उनका नाम दोनों एक ही रूप हैं। हम नाम स्मरण करते हुए नाम का साक्षात्कार नाम के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु से या दर्शन अथवा दृष्टांत से देखने लगेंगे तो नाम के साक्षात्कार में यह भी एक विघ्न हो जाएगा। अर्थात नाम स्मरण में पूर्ण मनोयोग से लग जाना चाहिए, संशय रहित होकर, और नाम की अन्य किसी से तुलना करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नाम स्मरण करते करते नाम में अत्यंत प्रेम उत्पन्न होने पर उस प्रेम में स्वयं अपने को भी भुला दें, तब समझो कि नाम का साक्षात्कार हुआ। अर्थात नाम के उत्कट प्रेम में स्वयं का विस्मरण हो जाने से आत्म साक्षात्कार ही नाम का साक्षात्कार है। भगवान नाम ही भगवत स्वरूप होने से नाम स्मरण से उत्पन्न प्रेम में लीन हो जाना, अपने को भूल जाना ही भगवान से अन्यता हो जानी है, और यही भगवान का सच्चा एवं अखंड रहने वाला दर्शन है। नाम स्मरण करते करते वृत्ति का राम रूप हो जाना ही नाम स्मरण का सच्चा अनुभव है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अनन्य शरण होकर अत्यंत तत्परता एवं व्याकुलता से उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, मुझे आपके नाम में प्रेम दीजिए। बस इससे अपने आप नाम में प्रेम बढ़ेगा और नाम जप के प्रभाव से भगवान के सच्चे दर्शन प्राप्त होंगे। नाम स्मरण करते हुए भी अपने को कोई दृष्टांत या दर्शन आदि न हो तो भी नाम जप में अपनी निष्ठा को कम न करते हुए नाम से सतत लगे रहकर प्रेम पूर्वक नाम स्मरण करते ही रहना चाहिए। बस इसी से अपना कल्याण होना निश्चित है। जो जीव राम नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य साधनों पर भरोसा रखता है उसको अज्ञानी समझो। राम नाम के जप से अंतःकरण में सब प्रकार का समाधान प्राप्त हो जाता है और राम नाम के जप से ही आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात नाम ही राम होकर आत्मदर्शन कराने में समर्थ है। राम का नाम ही ब्रह्म पद है, निज आत्म सुख भी राम नाम ही है एवं तत्व वस्तु भी राम नाम ही है। राम नाम के प्रभाव से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और राम नाम के प्रभाव से ही समस्त उपाधि से पृथक होने पर आत्मदर्शन हो जाता है। राम नाम के प्रताप से ही जीव जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है और राम नाम के प्रभाव से ही स्वात्मानंद में मग्न हो जाता है। राम नाम ही परमार्थ है और राम नाम ही योग सिद्धि का वैभव है। राम नाम से ही योगा योग की प्राप्ति होती है और राम नाम ही वेदांत का भी बीज रूप वेद है। राम नाम को अंतःकरण के भीतरी भाग में नित्य अखंड स्मरण करते हुए बाहर देह के प्रारब्ध के अनुसार जैसा भी सुख दुख भोग प्राप्त हो उसे भोगते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।